अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। कार्डियो पहले करना है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करना है? ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और आज भी ये कन्फ्यूजन है बहुत से जिम जाने वाले लोगों में। तो आज के इस वीडियो में साइंटिफिकली समझेंगे कि कार्डियो पहले करना चाहिए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और जो भी पहले करना चाहिए वो क्यों करना चाहिए, पूरे डिटेल में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर पाया या नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। कार्डियो पहले करना है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करना है, ये समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि दोनों का फ्यूल सिस्टम क्या है। फ्यूल सिस्टम मतलब कि कार्डियो करते वक्त बॉडी अपना एनर्जी सोर्स कहाँ से लेकर आती है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते वक्त बॉडी अपना एनर्जी सोर्स कहाँ से लेकर आती है। जब आप ये समझ लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है। तो जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, बॉडी को एनर्जी शॉर्ट बर्स्ट में चाहिए होती है। शॉर्ट बर्स्ट मतलब एकदम से आपने एक्टिविटी शुरू की पूरा जोर लगा के। ऐसे में बॉडी को रेडी एनर्जी चाहिए। रेडी एनर्जी क्या है? ग्लूकोज। तो जब भी आप खाना खाते हैं, वो खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन के ब्लड में घूमता है। अब जब ब्लड में ग्लूकोज एक लिमिट से ऊपर हो जाता है तो बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मसल सेल्स के अंदर स्टोर कर देती है, और उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो जैसे ही आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं, बॉडी को रेडी एनर्जी चाहिए, और वो रेडी एनर्जी सबसे पहले क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जब डिप्लीट होता है, उसके बाद बॉडी ग्लूकोज को यूज करती है वही शॉर्ट बर्स्ट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बॉडी को सिर्फ ग्लाइकोजन चाहिए या ग्लूकोज चाहिए। अगर किसी कारण से ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया या ग्लूकोज नहीं है बॉडी में, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्वालिटी बिल्कुल कम हो जाती है। अब सपोज करिए कि जब आप कार्डियो कर रहे होते हैं, तो कार्डियो करते समय बॉडी ये नहीं बोलेगी कि अभी हम स्ट्रेंथ करने वाले हैं तो थोड़ा सा ग्लाइकोजन बचा लें। ऐसा नहीं होगा। कार्डियो करते वक्त बॉडी ग्लाइकोजन भी यूज करेगी, और ऐसे क्या होगा कि आपका ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट हो जाएगा। डिप्लीट होने के बाद जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आप अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि आप पूरा जोर लगा रहे हैं, आप थक रहे हैं, लेकिन वो 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन लेवल ऑलरेडी डिप्लीटेड है। अगर आप पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते तो आपके बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करती जो कार्डियो करने के बाद नहीं कर पा रही है, जस्ट बिकॉज कि आपका ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट हो गया है। और जब आप कार्डियो करते हैं तो कार्डियो दोनों फ्यूल सिस्टम पे चलता है। वो ग्लाइकोजन सिस्टम पे भी चलता है और वो फैट सिस्टम पे भी चलता है। क्रेब्स साइकिल एक टेक्निकल टर्म है जिसमें बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी प्रदान करती है, आपको एनर्जी देती है। लेकिन वो तब स्टार्ट होता है जब बॉडी एक लंबे समय तक सेम पेस पे चल रही हो, यानी कि स्टेडी स्टेट कार्डियो। तो जब आप कार्डियो स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी ग्लाइकोजन ही यूज करेगी, फिर इवेंचुअली वो फैट पे शिफ्ट होती रहेगी और वापस ग्लाइकोजन पे आती रहेगी, फिर वो फैट पे जाएगी। तो आपका ग्लाइकोजन लेवल तो डिप्लीट होगा ही अगर आप कार्डियो पहले कर रहे हैं तो। तो इसलिए दोस्तों, फ्यूल सिस्टम दोनों का अलग है। अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, अगर आपको प्रॉपर मसल्स बनाने हैं, तो पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी होगी और उसके बाद कार्डियो, या फिर दोनों एक्टिविटीज को अलग अलग समय पे करिए। सुबह कार्डियो कर लीजिए, शाम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए, या शाम में कार्डियो कर लीजिए, सुबह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए। ये तो था पहला रीजन कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको पहले करना चाहिए अगर आप दोनों एक्टिविटी एक साथ कर रहे हैं तो। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है फोकस। जब आप कार्डियो करेंगे तो आपका ग्लाइकोजन लेवल तो डिप्लीट होगा ही, प्लस आपका फोकस भी डिप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप थक चुके होंगे। और वर्कआउट यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं है तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉडी का ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट हो गया है। आप वेट लिफ्ट करेंगे और थोड़ा सा भी फोकस इधर उधर हुआ और वो वेट आपके लिए इंजरी का कारण बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले होना चाहिए, क्योंकि आप फोकस्ड रहेंगे, आप फ्रेश रहेंगे। और इसके बाद जब आप कार्डियो करेंगे तो कार्डियो के लिए बहुत पॉस्चरल प्रॉब्लम नहीं है, आपको उतने फोकस की ज़रूरत नहीं है, आप अपना इंटेंसिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और कार्डियो में बॉडी का सिस्टम फैट पे शिफ्ट हो जाता है, उसको ग्लाइकोजन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करनी चाहिए।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है रिकवरी। कार्डियो एक ऐसा एक्टिविटी है जो एक्टिव रिकवरी में हेल्प करता है। जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं हमारे मसल्स में माइक्रो ट्रॉमा होता है, यानी कि टूट फूट होती है, और वो माइक्रो ट्रॉमा को हमें रिकवर करना होता है। रिकवर करने में हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही हमारे टूटे हुए मसल्स को ऑक्सीजन मिलना है और न्यूट्रिशन मिलना है। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद कार्डियो करते हो तो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेटर हो जाता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी का रिकवरी टाइम भी बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली अगर 24 घंटे लगने हैं तो 20 घंटे 18 घंटे में ही आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है। सो वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमेशा पहले होना चाहिए और कार्डियो बाद में होना चाहिए, अगर आप दोनों एक्टिविटी को एक साथ कर रहे हो तो। अगर दोनों एक्टिविटी के बीच में काफ़ी गैप है 6 से 8 घंटे का, तो कोई भी एक्टिविटी पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ग्लाइकोजन लेवल वापस से आपने रिप्लेनिश कर दिया है। सपोज करिए अगर आपने सुबह कार्डियो किया और शाम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच का जो लंच है वो आपने स्किप कर दिया, तो फिर बात वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि आपका जो ग्लाइकोजन लेवल है वो वापस से अपग्रेड नहीं हुआ, रिजुविनेट नहीं हुआ, रिप्लेनिश नहीं हुआ, जिसकी वजह से शाम का जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो वापस कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। तो अगर सुबह कार्डियो कर लिया है तो दोपहर में अच्छा मील लीजिए ताकि ग्लाइकोजन लेवल वापस से रिप्लेनिश हो जाए और शाम में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपना 100% दे पाए। सो दोस्तों, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन थे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको पहले करनी चाहिए। सबसे पहला फ्यूल सिस्टम, दूसरा फोकस, और तीसरा रिकवरी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई रीजन है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करनी चाहिए तो कमेंट में देके बताइए, और मुझे ये भी बताइए अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक को लेके, या फिटनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आप पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो, मुझे कमेंट में लिख के बताएं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, उसके ऊपर वीडियो भी बना के दूंगा आपको। सो दोस्त, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।